क्या होगा अगर आप पिज्जा बना रहे हो और तभी आपके कैफे पर आपके सब्सक्राइबर आ जाएं। तो आज शाम के टाइम पर मैं अपने हुडी फूडी कैफे पर पिज्जा बना रहा था, तभी हमारे कैफे पर हमारे सब्सक्राइबर आकर वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो मैं पिज्जा के मेकिंग को रोककर पहले अपने सब्सक्राइबर से मिलता हूँ, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली की तरह हो। जिसके बाद वो मुझे तंदूरी पास्ता पिज्जा बनाने का ऑर्डर देते हैं, तो मैं लग जाता हूँ जल्दी से पिज्जा बनाने के लिए। और ये तंदूरी पास्ता पिज्जा था तो इसके ऊपर पिज्जा सॉस के साथ में तंदूरी सॉस भी ऐड की जाती है, जिसके बाद मैं इसके ऊपर चीज ड्रेसिंग के लिए कम्प्लीट करने के बाद अनियन की टॉपिंग कंप्लीट कर देता हूँ। अब बारी आती है इसके ऊपर पास्ता रखने की। एंड पिज्जा के ऊपर जो पास्ता रखा जाता है उसको एक बैलेंस शीट पर बॉईल किया जाता है। तो फाइनली इस पिज्जा के ऊपर मैं मोजरेला चीज की टॉपिंग कंप्लीट करने के बाद इसको ओवन में रख देता हूँ कुक होने के लिए। वैसे ये कस्टमर हमारे सब्सक्राइबर थे तो हम इनको 10% का डिस्काउंट भी देते हैं। फाइनली 2 मिनट के बाद ये पिज्जा कुक हो जाता है, जिसके बाद मैं इसको पैन पर रखकर कट कर लेता हूँ एंड अपने सब्सक्राइबर को सर्व कर देता हूँ। एंड अब आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में।